वापस आते हैं सर? वापस आए कि नहीं? यस सर। मैंने यूज पढ़ा रहा था किसका? वेद का। यहाँ हम ब्रेक करके सिखा रहे थे कि सजीव के लिए क्या आएगा? वेद। और निर्जीव के लिए टू। एग्री वेद क्या? पर्सन। एग्री टू पर्सन और एग्री टू प्रपोजल। यानी जब भी सजीव का बात होगा तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए राम। राम राम अगर हम बोले राम इज हैप्पी, खाली स्थान रानी, विद रानी की टू रानी, विद रानी विद रानी। अच्छा, इंडिया इंडिया डजंट हैप्पी पाकिस्तान, विद पाकिस्तान की टू पाकिस्तान, टू पाकिस्तान। बता ना, यानी विद का प्रयोग किसके लिए? सजीव के लिए। और टू का प्रयोग निर्जीव के लिए। पक्का ना? यस सर। याद रहेगा? यस सर। देखिए ऑक्सफोर्ड ये कंटेंट क्लियर है ना? यस सर। ऑक्सफोर्ड ने कंटेंट दिया बेटा है ना कि एग्री विद पर्सन और एग्री टू परपोज। अरे क्लियर है ना? लेकिन अब यहाँ से हमको ये समझना है कि सजीव के लिए विद आएगा और निर्जीव के लिए टू। लेकिन बट If living body behaves like a क्या proposal, in that terms of condition we always use क्या do। अरे clear है? लिखिए ना note, note करके लिखेगा note, note में लिखेगा but, note में लिखेगा but if living body behaves like proposal, P-U-R-P-O-S-L, proposal, but if living body, clear है ना? Yes sir. Behaves like proposal, in that terms of condition, in that terms of condition, we always use. In that terms of condition, we always use. Are you clear? Yes. लिखेगा two. Two. Clear है? Yes sir. क्या लिखे इसका मतलब? लेकिन सजीव यदि proposal के रूप में काम करने लगे, किसके रूप में? Proposal के रूप में, तो सजीव क्या लेगा? Two लेगा. जैसे मेरी बात को समझिएगा, अगर हम बोले लिखेगा the teacher told me that she wasn't happy, fill in the blanks. Your proposal. Option A लिखेगा with. Option B लिखेगा two. ऑप्शन सी लिखेगा इन, ऑप्शन डी लिखेगा एट। बोलिए सर। टू होगा। हैं? टू होगा पक्का? यस सर। 100%? यस सर। पक्का? यस सर। यहाँ विद होगा कि टू होगा? टू होगा। बोलिए यहाँ यू के बाद हो रहा है जी आपका प्रपोजल का। प्रपोजल का है? प्रपोजल का। आई एम नॉट एग्री राम्स प्रपोजल। यहाँ राम का बात हो रहा है कि प्रपोजल का? प्रपोजल का। यहाँ विद लेगा कि टू लेगा? टू लेगा। लिखेगा आई एम नॉट हैप्पी
आई एम नॉट हैप्पी विद राम प्रपोजल विद राम्स राम में अपोस्ट्रोफी एस आई एम नॉट हैप्पी विद राम्स प्रपोजल आई एम नॉट हैप्पी विद राम क्या बोलो प्रपोजल बोलिए सर सही की गलत 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 ना yes, आप बोलिए क्या होगा टू होगा एकदम 100% यानी एग्री विद क्या होगा पर्सन और एग्री टू प्रपोजल पक्का ना yes, sir. जब भी सजीव यदि काम करने लगे किसके प्रपोजल के रूप में तो सजीव के लिए विद लगा के टू लेगा ना 100% ठीक है एक चीज और समझिएगा सजीव के लिए क्या आएगा वेद और निर्जीव के लिए टू अरे पक्का यस सर यहाँ तक कोई दिक्कत नो सी डजंट क्या हैप्पी सी डजंट क्या एग्री राम प्रपोजल कि वेद राम प्रपोजल टू राम प्रपोजल आप समझ रहे बेटा यस सर क्यों पता ना सुनिए प्रपोजल का मतलब क्या प्रस्ताव 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 सजीव होगा कि निर्जीव सजीव प्रस्ताव में दो ही चीज होगा अरे क्लियर है एक बात समझिएगा शादी क्या है शादी होता है ना व्यक्ति का शादी क्या है प्रपोजल शादी एक प्रकार का प्रपोजल है कि नहीं अरे टर्म्स हैं अच्छा हम तुम्हारे साथ मरते हैं सनम कि हम तुम पे मरते हैं सनम कि तुम्हारे साथ मरते हैं अरे मैं आप पे मरता हूँ कि आपके साथ मरता आप पे मरता आप पे नहीं आपके साथ नहीं ना अरे मर जाओगे तुरंत शादी होगा दूसरा अरे होगा कि नहीं अरे नहीं होगा बेटा यानी हम तुम पे मरते हैं कि तुम्हारे साथ मरते हैं हम तुम पे मरते हैं तुम्हारे साथ क्योंकि शादी एक मर्द का बंधन है अरे क्लियर है तुमको क्या लगता है कि हम लोग का जो पत्नी होगी या है अरे क्लियर है ना मेरे पास अभी मर जाए शादी ना करेगी तुरंत दूसरा में शादी करके दूसरा जगह घूमते रहेगी हो सकता है कि इस बार कश्मीर तरफ घूमने जाए अरे नहीं समझे तो ये चीज है ये शादी एक प्रकार का क्या है बंधन है इसीलिए देखते हैं मैरिड विद मतलब क्वेश्चन राम मैरिड फिलिंग द ब्लैंक सीता विद सीता की टू सीता पढ़ाए होंगे वाला पढ़ाए है ना राम मैरिड विद सीता की टू सीता ये एयरपोर्ट में पढ़ाए होंगे अरे क्लियर है ना मैरिड किसको लेता है टू को लेता है लिखेगा व्हेनेवर नोट बनाइए व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैरिड मैरिड मीन्स मैरी अरे पक्का ना मैरिड मीन्स क्या बाबू मैरी पक्का ना इट टेक्स टू टीओ इट टेक्स टू नॉट विद इट टेक्स टू नॉट क्या बाबू विद इट टेक्स टू नॉट क्या विद यह लेता है क्या चीज को जैसे समझिएगा राम लिखेगा राम टोल्ड मी दैट सी मैरिड फिल इन द ब्लैंक्स यस हिम him at 27 year old पता ऑप्शन लिखेगा विद ऑप्शन लिखेगा टू ऑप्शन विद ऑप्शन टू ऑप्शन एट ऑप्शन इन बोलिए सर पक्का यस सर 100% यस सर बोलिए वेद का प्रयोग कब करते हैं सबसे पहला नंबर वेद का शाब्दिक अर्थ के साथ
लेकिन किसके लिए? और स्वयं कैरी समथिंग मतलब ढोने के लिए। अरे क्लियर है? बाद बाकी उसका हिंदी क्या निकलेगा? तब इसका यूज इंस्ट्रूमेंट के लिए। अरे क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट दो भाग में बांटेंगे। सॉलिड क्या लेगा? लिक्विड। और लिक्विड इन सॉरी इन ना ये बोले कि विद मतलब क्या होता है? से सजीव के लिए क्या आएगा? से विद। अरे विद ना निर्जीव के लिए टू पक्का? यस सर। यानी हम बोले कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट एग्री पाकिस्तान विद पाकिस्तान की टू पाकिस्तान बट सी डजंट एग्री मोहन विद मोहन की टू मोहन ये क्या है? सजीव है। सजीव है ना? लेकिन सजीव यदि प्रपोजल के रूप में कार्य करे तो टू यानी सजीव की बात ना करके प्रपोजल का बात हो तो प्रपोजल लिखा होना चाहिए। अरे क्लियर ना? जैसे राम डजंट एग्री फिल इन द ब्लैंक्स राम्स प्रपोजल विद किटो टू पक्का? यस सर। इतना कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। फिर अगर देखा जाए वापस अगर देखा जाए बेटा वापस अगर देखा जाए तो मैं ये बताया कि शादी एक पर्दा का क्या है प्रस्ताव है। यस सर। इसीलिए इसके साथ विद लेगा कि टू लेगा? टू लेगा। इतना तक अगर कोई दिक्कत नहीं है आप बताइए। यहाँ हम लिखते हैं कि राम मान लीजिए राम डजंट एग्री बिहार लिखेगा राम डजंट एग्री बिहार चला जाए। बोलिए पहला काम सर टू होगा टू होगा। अरे यहाँ देखो ये लड़का उसमें नहीं देखो यहाँ देखो क्या होगा अभी टू होगा टू है टू होगा लेकिन कंफ्यूजन ये में होगा कि नहीं? यस सर। अरे होगा ना? यस सर। दूसरा में वीट होगा वीट होगा क्यों लिविंग है लिविंग बढ़िया है ये क्या है सही है? तू कैसा
समझ रहे हैं बात को? देखिए ये इतना डेंजर चीज है कि समझना होगा, ये सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव है। बीज लेगा कि तू लेगा? तू लेगा। ये गलत हो जाएगा पक्का ना? कोई भी कंडीशन में सही कि गलत? गलत। यस सर गलत। पक्का? हाँ। ये वाला बोलिए सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। बीज होगा कि तू होगा? तू होगा। सजीव में नाम लिखा होना चाहिए, राम मोहन सोहन बुद्धा भालू, अरे क्लियर है ना? अरे सजीव है ना? यस सर। अगर नाम ना लिख कर क्या दिया हो? यू। अरे यू यानी प्रोनाउन दिया हो? यस सर। जैसे यू है, हिम है, देव है, आस है। अरे बात समझ रहे? यस सर। अरे क्लियर है? यस सर। यहाँ नाम लिखा हुआ है कि इसका प्रोनाउन है? प्रोनाउन है ना? अरे क्लियर? यस सर। ये सजीव है? यस सर। अरे सजीव है ना? यस सर। लेकिन है क्या प्रोनाउन? प्रोनाउन है। अरे प्रोनाउन है ना? यस सर। लिखिए क्वेश्चन, नीचे लिखिए तो उसको रहने दीजिए, अभी ठीक मत करिए, नीचे क्वेश्चन लिखिए। लिखेगा लिखेगा सी सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, सी डन, सी डी डन, सी डी डन, सी डी डन, एग्री एग्री, सी टोल्ड मी दैट सी डिडंट एग्री विद 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 आस, विद क्या? आस यूएस ना? यस सर। आस इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, दैट के बाद स्लैश करिए बेटा, दैट के बाद स्लैश मतलब ऐसे पहले होगा ऐसे, क्लियर है? उसके बाद में आज के बाद स्लैश, स्लैश मतलब ऐसे, अरे क्लियर है? और लास्ट में लिखिएगा नो एरर्स में स्लैश, मतलब लास्ट में स्लैश करिएगा अंतिम में, और फिर लिखिएगा नो एरर्स, अरे पक्का? बोलिए क्या होगा? बी होगा ना? गलत ना होगा, गलत सही है। क्यों सही है? क्योंकि आज क्या है? सजीव है। अरे आज जो है वो क्या है? सजीव है। अरे बात समझे, मी जो है ये क्या है? सजीव है। और सजीव के लिए हम यूज कर सकते हैं किसका? वेद का। जो बात हम बोल रहे हैं समझ रहे ना? पहला स्टेप कि निर्जीव के लिए क्या आएगा? वेद, सॉरी निर्जीव के लिए तू है, और सजीव के लिए वेद। तो ये निर्जीव है कि सजीव है? सजीव है। तो सजीव के लिए वेद आएगा ना? चलिए आगे फिर लिखिए कि नो एरर्स मारिए, अरे क्लियर है? फिर लिखिएगा, लिखिएगा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, he told me that she didn't agree, agree, agree to me in the classroom, in the classroom, that के बाद स्लैश करिए, क्लियर है? me के बाद स्लैश करिए। यस सर। और स्लैश करिए, अरे पक्का? और फिर लिखिए नो एरर्स, समझिएगा बात। सजीव के लिए क्या आएगा? वेद। और निर्जीव के लिए टू आएगा। सजीव का नाम लिखा है राम मोहन क्या? सोहन, तो वेद आएगा। अरे राम मोहन सोहन तो क्या आएगा? वेद आएगा। और प्रोनाउन अगर दिया हो तो प्रोनाउन जो है यहाँ मी सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। अरे क्लियर है? यस सर। तो ये यहाँ अगर वीद लिखेंगे तो सेंटेंस गलत है, सेंटेंस सही होगा? अरे पक्का? लेकिन यहाँ सजीव का नाम ना लिखकर क्या किया है? प्रोनाउन। तो यहाँ वीद भी सही हो जाएगा और तू भी सही हो जाएगा, अरे क्लियर है ना? तो ये आंसर सही है, समझ रहे हैं? याद रहेगा, यानी प्रोनाउन के साथ दोनों का दोनों सही हो जाएगा। कौन कौन? तू और क्या? वेद। आप सुनिए, यू आर एग्री विद मी और क्या? टू मी। ये दोनों का दोनों सेंटेंस सही है, अरे क्लियर है? यस सर। यू आर, यू यू आर क्या? ये लड़का, यू यू आर हैप्पी खाली स्थान मोहन विद मोहन की टू मोहन विद मोहन विद मोहन टू मोहन गलत है। यस सर। सही है, क्लियर है ना? यस सर। लेकिन अगर वहां पे नाम ना लेकर क्या दिया रहे? प्रोनाउन।
तब ईद भी सही है और टू भी सही है। और अगर दोनों दिया रहेगा, अरे टू भी दिया रहेगा और विद भी दिया रहेगा, अरे क्लियर है ना, तब आंसर सही होगा क्या, टू। ज्यादा इफेक्टिव किसको लेंगे, टू। वो पूछेगा कहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में, अरे क्लियर है। यानी एरर्स में दोनों का दोनों क्या है, सही है, अरे क्लियर है। और फिल इन द ब्लैंक्स में यदि नाम न लिखकर क्या दिया रहे, प्रोनाउन, अरे क्लियर है। यस सर। ज्यादा इफेक्टिव विद है कि टू है, टू है, क्योंकि डायरेक्ट मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, अरे मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। अरे मी लक्ष्य है ना, यू आर एग्री टू मी, यानी आप सहमत है किससे, मुझसे, मैं आपका लक्ष्य हूं, और याद रहेगा। यस सर। पक्का? यस सर, 100%। समझे? अब हम बोलते हैं, सुनिएगा आप लोग, बोलिएगा, बोलिए, कुछ भी हो सकता है, बोलिए आई एम सैटिस्फाइड विद पाकिस्तान की टू पाकिस्तान, बोलो ना यार, टू पाकिस्तान, टू पाकिस्तान, अरे क्लियर है ना। आप बोलिए आई एम सैटिस्फाइड विद मोहन की टू मोहन, विद मोहन, विद मोहन, टू मोहन कोई भी स्थिति में ना, आई एम सैटिस्फाइड विद हिम, विद हिम की टू हिम, दोनों सही है, दोनों सही है, और विद हिम ना, दोनों सही है, विद हिम होगा कि नहीं, यस सर, प्रोनाउन है वहां, यस सर, तभी भी हिम होगा और टू भी हिम होगा, पक्का, यस सर, समझ रहे बात, यस सर, अरे क्लियर, यस सर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नो, दिक्कत है, और दोनों ऑप्शन होगा तो आंसर क्या होगा, विद होगा कि टू होगा, टू मान लो, पक्का ना, यस सर, एरर्स में दोनों का दोनों सही होगा, अरे पक्का ना, यस सर, और फिजिकल मैथ को देखना, कोई दिक्कत, नो सर, ये चीज आपको बहुत तंग करता होगा, विद और टू, आज ये डिसीजन खत्म हो गया, याद रहेगा सबको, यस सर, पक्का, देखिए तो समय कितना हो रहा है, सिर्फ दस ना, सिर्फ दस है, अभी बहुत समय है, सर आइडम पर, ठीक है, आइडम फिल करो, समय अभी बहुत है, हम तो कब ग्रामर लगता कि तो ये पाँच मिनट में हार क्या दी, सॉरी वर्डवा तुरंत हटा दिए ना, नहीं तो अब तक तो बहुत सारा वर्ड हो चुका होता, लिखे का बीच पहले को रीड होता है, समझिएगा पहले नंबर, लिखेगा पहले, लिखेगा नोट, लिखेगा एन थ्री करके, एन फोर, अरे रूल करके, अलग रूल है ना, लिखेगा द मीन ऑफ the mean of with W I T H, clear hai, the mean of with is also, the mean of with is also, clear hai, the mean of with is also ka gun wala ki gun wali, का गुण वाला की गुण वाली के गुण वाले, द मीन ऑफ विद इज ऑल्सो का गुण वाला की गुण वाली और के गुण वाले, द मीन ऑफ विद इज ऑल्सो का गुण वाला, का गुण वाला की गुण वाली और के गुण वाले, पक्का, किसका अर्थ बताए हैं, विद, विद का अर्थ क्या होगा, का गुण वाला, की गुण वाली और क्या गुण वाले, पता ना, देखिए ये कहीं ना कहीं किसी भी चीज के क्वालिटी को दर्शाता है, कौन, वेद, अरे क्लियर ना, yes, वेद का मतलब क्या होता है, का गुण वाला, की गुण वाली और क्या के गुण वाले, क्लियर है, जैसे अगर हम बोले, अगर बोले बेटा कि का गुण वाला, की गुण वाली और क्या के गुण वाले, जैसे आप किसी भी बाजार में गए या मार्केट में गए, नहीं बोलते हैं कि हमको घर चाहिए, अपार्टमेंट, जैसे तुम्हारा शादी हुआ, हस्बैंड के पास बहुत सारा पैसा है, तो नहीं बड़ा चॉइस का घर लेने का मन होगा, हर लोग को शौक होता है ना भाई, आप जाइएगा किसी भी शहर में तो फ्लैट बुक करिएगा, जो हैबिचुएट हो गया है क्या, किसका, फ्लैट का,
आप क्या बोलिए कि सर हमको फ्लैट चाहिए, क्लियर है, लेकिन उसमें क्या क्या होना चाहिए? किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा खेलेगा कैसे? अरे भविष्य यही ना लोग सोचता है। अच्छा, यानी मुझे घर तो चाहिए लेकिन उसका कैसा क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी कैसा होना चाहिए? गार्डन एक्स वाई ये कैसे समझिए? शादी हम करेंगे, लड़का चाहिए कैसा? नौकरी वाला। अरे क्लियर है, तो वो नौकरी होना उसका क्या है? गुण है। अरे बात समझे ना, यस गुण को दर्शाता क्या? वेद। जैसे हम बोले कि आई वॉन्ट अ क्या कार विद रेड कलर, यानी मुझे कार तो चाहिए लेकिन उसका कलर कैसा होना चाहिए? लाल, यानी मुझे लाल वाली कार चाहिए। अरे पक्का, यस लिखेगा आई वॉन्ट, I want to buy a flat. I want to buy a क्या बाबू? Flat. Flat समझते हैं ना? Yes sir. With AC. AC का मतलब? एयर कूलर। विद क्या? एसी गार्डन। विद क्या? एसी गार्डन एंड प्लेग्राउंड। एंड प्लेग्राउंड क्या समझे आप लोग? इतनी सारी क्वालिटी चाहिए, गुण चाहिए सर। यानी मुझे घर तो चाहिए लेकिन कैसा घर चाहिए? जिसमें एसी हो, गार्डन हो, और क्या? प्लेग्राउंड हो, है ना? वैसा चाहिए। पक्का? यानी आई वॉन्ट टू बाई या क्या कार विद क्या? रेड कलर। इसका हिंदी क्या निकालिएगा? मुझे लाल कार वाली गाड़ी चाहिए। ऐसा ना कि आई वॉन्ट टू बाई या क्या कार विद रेड कलर, यानी मुझे मैं कार खरीदना चाहता हूँ लाल कलर के साथ। नहीं सर, ठीक है, आप लोग यही हिंदी निकालिए, लाल कलर वाला लिखिएगा। आई वॉन्ट टू बाई अ कार। नहीं होगा ना, तो जितना भी विद्वान होंगे ना ये सेंटेंस पर, तो हिंदी निकालने बोलिएगा, देखिएगा जो हम सोच रहे हैं वही बोलेगा। आई वॉन्ट टू बाई अ कार विद क्या? रेड कलर, यानी मैं कार खरीदना चाहता हूँ लेकिन जिसका कलर क्या? लाल हो। लाल हो, पक्का? समझ में आ गया? समझ गया? यस सर, लाल कलर वाला। अभी तक बाई का मतलब क्या होता बेटा? से क्लियर कर दिए। जैसे ही ऑप्शन आएगा निकाल के एलिमेंट, देखिए बहादुरी ये है कि जितना यूज पढ़ाए हैं उसको एक दो बार अभ्यास मारते रहे। यस सर। और जितना टच में रहिएगा ना, हम सही बता रहे हैं कि अगर मेरा नोट पे कमांड हो गया, अरे बात समझे ना, रटना नहीं है, याद नहीं किया जाता, बस एक आध बार देखा जाता है। yes, जैसे यहाँ से गए मेरा, हम लोग भी पढ़े हैं बेटा, हैबिट क्या था या अभी भी मेरा हैबिट क्या है कि हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं। लिखने से क्या होता है? दिमाग। पहले नंबर आज का ड्रेस, हम दो को कॉपी रखते थे, एक सर पढ़ाए ना तो रफ कॉपी, जिन्हें उसे क्या स्केल मिस्टेक चाहे कोई मिस्टेक हो हुआ ना, उसके बाद फिर घर में गए तो उसको फिर कॉपी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ और एक बार वहाँ बराबर कई बार लिख दिए, और दो बार लिख दिए तो कम समझ में आएगा कि ज्यादा। और आज के डेट में जमाना शॉर्टकट आ गया। बोलिए शॉर्टकट में यहाँ कौन कौन है? लगभग सब शॉर्ट है ना, जमाना देखिए। आप नोटिस करिएगा, कोई वर्ड में नहीं, कोई याद कर रहे हैं नहीं, याद हो रहा तो लास्ट में लिखते हो। yes, राइट की लॉ। yes, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है ना तो कलम उठा के लिखते हैं उधम। अरे क्लियर है? yes, स्पेल मिस्टेक हो रहा है ना तो मुहा से बोलेंगे तो गलत निकल जाता है। yes, लेकिन आते हैं जब लिखते हैं ना तो शुरू हो जाता है, अपने आप वहाँ चल जाता है।
लेखन क्षमता होना चाहिए, लिखने से जो क्या हो गया है जवाना को शॉर्ट का जमाना आ गया ना, ये शॉर्टकट हटाइए ठीक है, प्रयास करिए कि उसको एक आध बार देखें। अरे क्लियर है ना, एक आध बार लिखें। फेयर नोट्स इसलिए तैयार किया जाता है ना ताकि यहाँ से गए स्पेलिंग मिस्टेक है तो वहाँ जाएंगे डिक्शनरी खोलेंगे लगता है स्पेलिंग और मिस्टेक है तो उसको देख के अपने सुधार के बढ़िया से लिखता है। बस खाएँ दिमाग में आया क्लास कर दिए दीवान हो गया और क्या, ऐसा ना समझ गया बात, उसको देखिए रिवाइज करते रहिए क्लियर है ना। तो वाई का मतलब क्या होता है बोलिएगा, सेम किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यस सर। बीट का मतलब सेम किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए। अरे क्लियर है यस सर। और से पढ़ाए हैं, इन का मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए हैं यस सर। ब्रोम का मतलब सेम जुदाई के लिए पढ़ाए हैं यस सर। ब्रोम का मतलब सेम किसके लिए, जुदाई के लिए। ओ डबल एफ का मतलब सेपरेशन के लिए। अरे याद है उसके बाद इतना ही से पढ़ाए हैं। डिजीज वाला पढ़ा है, रोग ऐसा वाला नो सर, ऑफ का यूज ना, ऑफ का यूज ना पढ़ा है। एक वो केवल पढ़ाए हैं हेल्थ के लिए वाला सब्जी। अरे नहीं लिविंग बॉडी के लिए सिर्फ ऑफ। ठीक ठीक ये बाई ये सब हो गया ना बेटा, बिफोर आ गया, बिफोर आ गया सर, हो गया सर। देखिए चीज समझिए ना, कोई बात नहीं है, सब धीमा धीमा आएगा समझे ना। यस सर। जब सब आ जाएगा सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है अराउंड, नाम सुने हैं यस सर। अराउंड का हिंदी बताइए। चार तरफ है, ये चारों ओर, ये चारों तरफ यस सर। और राउंड का मतलब ही चारों ओर, ये चारों तरफ। अरे क्लियर है ना, इसको तरह तरह का YouTube वीडियो भी दे रहा है ऐसे बना बना के, वो सब सर कोई जरूरत नहीं है, फालतू बकवास है, आपको आंसर लाने से मतलब है यस सर। अरे समझ रहे ना, राउंड का मतलब ही होता है के चारों तरफ, और ये राउंड का मतलब ही के चारों होते हैं कि कब राउंड और कब अराउंड, क्लियर है। तो बचपन में आपको चाइल्डहुड याद होगा बेटा कि चाइल्डहुड में हम लोग बोलते थे कोई साइकिल चला के आता था तो बोलते रे तुम्हारा साइकिल का चक्का घूम रहा है। अगर आप बहुत पुरिया जवान होते तो क्या बोलते, तो हाथ चक्का घूमता राउंड करत बड़ा, बोलते हैं ना कि राउंड करत बड़ा, राउंड राउंड किए राउंड राउंड मतलब चारों ओर घूमत अला, और घूमत अला मतलब मोशन बा यस सर। अरे मोशन है ना यस सर, क्योंकि उसमें ऐसे लगाइएगा तो कट जाएगा राइट यस सर। यानी राउंड जो है मोशन लेस है कि मोशन है, मोशन है। यानी द मीन ऑफ राउंड मतलब क्या होता है के चारों तरफ, बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द क्या मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस सर। लिखिएगा राउंड, डैश दीजिएगा राउंड, डैश दीजिएगा द मीन ऑफ राउंड, द मीन ऑफ राउंड क्या बोले हैं बेटा, द मीन ऑफ राउंड, द मीन द मीन ऑफ क्या राउंड के चारों तरफ, द मीन ऑफ राउंड के चारों तरफ, द मीन ऑफ राउंड के चारों तरफ, द मीन ऑफ राउंड के चारों तरफ, बट इट इज यूज्ड, बट इट इज यूज्ड द मीन ऑफ राउंड के चारों तरफ, बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग, बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द मोशन, बट इट इज यूज फॉर शोइंग द मोशन, बट इट इज यूज फॉर शोइंग द मोशन। पता वो क्या संदेश का मतलब, राउंड का शाब्दिक का क्या आता है के चारों तरफ, बट इट इज यूज फॉर शोइंग द मोशन, लेकिन इसका प्रयोग होता है किसको दर्शाने के लिए, मोशन को। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में क्वेश्चन पूछा गैलीलियो, लेकिन गैलीलियो प्रूव्ड दैट
गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ गैलीलियो प्रूव्ड PROVED अरे क्लियर है ना गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ moves moves क्लियर है ना moves लिखेगा अराउंड द सन सन का मतलब सूर्य बोलिए राउंड होगा कि राउंड होगा कि गैलीलियो ने प्रूव किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है चक्कर लगाती है चक्कर लगाएगी तो मोशन होगा कि मोशन लेस होगा राउंड होगा कि राउंड होगा सर्कल कर दें सर्कल कर दीजिए गलत है वो वर्ड आ नहीं जाता है सर देखिए बिहार सरकार को भले गाली दे लीजिए लेकिन बिहार गवर्नमेंट का सिलेबस वाकई में सिलेबस है अरे NCERT बहुत तगड़ा है जितना भी ICSE बोर्ड है ना सब बता रहे हैं कोलैप्स कर जाएगा अगर बढ़िया से अगर पढ़ाई से हो जाए तब अरे क्लियर है ना हालत खराब हो जाएगी आप नोटिस करिए सर इंटरमीडिएट अभी आप लोग पास आउट हुए हैं इंटरमीडिएट का अभी जो सिलेबस ग्लांस किया है वो 70% ग्रामर यस सर अरे दिए ना आप लोग इंटर 70% क्या है ग्रामर है और 30% लिटरेचर है अरे है कि नहीं वो 70% ग्रामर इसलिए किया है ना कि जैसे ही इंटर यहाँ से पास हो ना तब फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब का नॉलेज होता है जैसे आप चल जाइए एयरफोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होता लेकिन जब टेंथ में रहिएगा तो ये सब बोलेगा तो लोग बोलेगा कि नहीं उल्टा हम बता रहे ना कि उसका ये एडवांस वर्जन जो पढ़ा रहे हैं अरे पता ना बोलिए यहाँ राउंड होगा कि राउंड होगा राउंड का मतलब चारों तरफ लेकिन मोशन है कि मोशन लेस है मोशन है आप बोलिए राउंड कर रहा है कि राउंड कर रहा है राउंड कर रहा है गांधी मैदान देखे हैं यस सर उसके चारों तरफ पेड़ है यस सर अरे है कि नहीं यस सर वो पेड़ नाचता है क्या नहीं सर नाचता है यस सर ये राउंड है भाई मोशन लेस है मैं कि मोशन लेस है मोशन लेस है हम क्या बोलेंगे राउंड होगा कि राउंड होगा राउंड लिखेगा राउंड कर दीजिए अराउंड कर दीजिए लिखेगा द मीन ऑफ अराउंड थोड़ा स्पीड है बेटा द मीन ऑफ अराउंड के चारों तरफ द मीन ऑफ अराउंड के चारों तरफ बट इट इज यूज्ड द मीन ऑफ अराउंड के चारों तरफ बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग मोशनलेस बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग मोशनलेस होगा मतलब गति होगा कि गतिहीन होगा क्लियर यानी राउंड का मतलब क्या होता है के चारों तरफ और राउंड का मतलब भी के चारों तरफ लेकिन राउंड जो है वो मोशन है और राउंड जो है मोशन लेस है जैसे अगर हम बोले कि देयर आर मेनी क्या ट्रीज प्लांटेड लिखेगा देयर आर मेनी ट्रीज
देयर आर मेनी क्या ट्रीज प्लांटेड प्लांटेड देयर आर मेनी ट्रीज प्लांटेड देयर आर मेनी ट्रीज क्या प्लांटेड फिल इन द ब्लैंक्स देयर आर मेनी ट्रीज प्लांटेड फिल इन द ब्लैंक्स लिखेगा लिखेगा गांधी मैदान देयर आर मेनी ट्रीज प्लांटेड फिल इन द ब्लैंक्स गांधी मैदान क्लियर है ऑप्शन ए लिखिएगा अराउंड ऑप्शन ए लिखिएगा अराउंड ऑप्शन ए लिखिएगा अराउंड ऑप्शन बी लिखिएगा राउंड ऑप्शन ए लिखिएगा अराउंड ऑप्शन बी लिखिएगा राउंड ऑप्शन सी लिखिएगा एड और लिखिएगा इन बोलिए सर अराउंड क्या होगा अराउंड अराउंड होगा पता ना यस सर जैसे वी आर सिटी वी आर क्या सिटी क्लियर है ना राउंड द सर्कल की राउंड द सर्कल राउंड द सर्कल राउंड था ना नहीं ऐसे नाचेंगे नहीं मोशन है कि मोशन लेस है मोशन लेस है पक्का आप लोग बड़ा तेज हैं ये ये आपका मतलब क्या होता है ऊपर ऊपर है ऊपर यानी कि ऊपर यस है अच्छा आप तो का मतलब ऊपर है ऊपर थ्री पोजीशन है ना दोनों यस सर कब आपको और कब आपको नहीं पता सर देखिए आपका मतलब क्या होता है के ऊपर और आपको का मतलब ही के ऊपर समझ ही आएगा सीबीएसई का कोई लड़का है यहाँ पे सीबीएसई से जो पढ़े हैं एक वो जैक और जील का कहानी था जैक और जील हाँ पढ़े सर जैक और जील यस सर अरे हो रहा है ना लेकिन ये भी मोशन है लेकिन चल के मोशन वाला अरे चढ़ रहे हैं तो मोशन ना यार यस सर लेकिन धीमा धीमा पहाड़ पर चढ़ की रोड पे चल जाएंगे नहीं चल के अरे चढ़ के ना मोशन है कि मोशन लेस है मोशन है यानी दो को लड़का है इन लोगों कोई काम धंधा नहीं है अरे क्लियर है ये दोनों चढ़ गया किसके ऊपर पहाड़ के ऊपर जैसे कोई चढ़ गई किसके ऊपर पेड़ के ऊपर अरे क्लियर है आप चढ़े आपका कोई उद्देश्य उद्देश्य नहीं है लक्ष्य विहीन अरे क्लियर है बोलता है बेटा कि द मीन ऑफ अप के ऊपर अरे क्लियर है एंड इट इज यूज फॉर शोइंग बॉटम टू क्या टॉप मोस्ट क्लियर है ना यस बट देयर मस्ट बी क्या एमलेस एमलेस का मतलब बिना मतलब लक्ष्य भी अरे क्लियर है तब हम लोग यूज करते हैं किसका आप बोलिए जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल की अप द हिल अप द हिल ये था अरे था ना जैक जिल चढ़ गए कहां चढ़ गए पहाड़ पहाड़ पर मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया अरे क्लियर है ना तो आई क्लाइंब्ड अरे क्लियर है ना अप टू द ट्री की अप द ट्री अप द ट्री उसका कोई मतलब नहीं उद्देश्य नहीं अरे पक्का 100%
आपका प्रयोग क्या किसके लिए? मोशन के लिए, के लिए जैसा मोशन के लिए नीचे से ऊपर, लेकिन एम हो कि एमलेस हो, एमलेस अरे पक्का तब आप होगा कि आप तू होगा, आप होगा आप पक्का 100% यस सर। सबका पूरा मानसिक दे दिया। सुनिए यहाँ पर पहाड़ी है, इस पहाड़ के ऊपर नहीं देखते हैं वो सब घटना घटता है 10th से लेकर 12th तक, 11th तक, 9th से 10th, 12th, 11th, नहीं समझे 12th तक। मान लीजिए यह तरह तरह के लोग हैं, ये पहाड़ी के ऊपर एक लड़का और एक लड़की, ये मान लो लड़की है बाल वाली है लड़का, दोनों घर का प्रेशर कहाँ जा रही है, नहीं होता है ना, इसका घर जो है इतना पहाड़ी के ऊपर नजदीक ऊपर नहीं नजदीक है, ये दोनों बहुआ बहुनी बात करती है और बात करते करते ये लोग टाइम भी सेट कर लेगा, ठीक ना, कि इधर उधर देखेंगे यही हम लोग को मुलाकात होगी कहाँ पहाड़ के ऊपर। अरे ना ये वो गाना था जी, आ जाना बोरी पान के दुकान के साथ, है ना, ये जो है ना 3:30 बजे समय देगी कहाँ पहाड़ पर, तब पहले जो है ना ये लड़की छुपे छुपे जाएगी और चल जाएगी कहाँ पहाड़, पहाड़ पर चढ़ जाएगी, अरे चढ़ ही ना, यस सर। ये लड़का का समय कितना बजे है? 3:30 बजे, ठीक है ना, ये निश्चित है कि जाएगा, जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं, यस सर। तो ये 3:30 बजे एकदम पहले ही से एकदम नहा हुआ के एकदम स्प्रे स्प्रे नहीं होगा तो किसी से भीख को मांग के लगा देगा, क्लियर है ना, उसी होगा बेचारा, ये जाएगा यहाँ से चढ़ेगा, क्लियर है, ये चढ़ेगा कहाँ पहाड़ पर, किस लिए मिलने के लिए चढ़ेगा, नहीं नहीं सर, इससे मिलने के लिए लड़के से, इसको इसको एम है कि नहीं, एम है सर, लक्ष्य है कि लक्ष्य भी ना, लक्ष्य है, लक्ष्य है ना, यस सर, अरे क्लियर है ना, तो आपको का मतलब ये होता है के ऊपर, और यह मोशन को दर्शाता है कहाँ नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन क्या लक्ष्य के लिए एम हो, एम हो, अरे क्लियर है, तब आप होगा कि आप तू, आप तू होगा, जैसे क्वेश्चन आएगा बेटा कि ही लिख देगा ही वेंट खाली स्थान, अरे क्लियर है, द हिल टू मीट द क्या गर्ल, बोलिए आप होगा क्या, अप टू, अप टू, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह, अरे क्लियर है, वेंट खाली स्थान, वेंट खाली स्थान द गोपाल मार्केट, अरे क्लियर है, टू अटेंड इंग्लिश क्या क्लास, बोलिए आप अप टू, अप टू, अप टू, आपको समझ आ जाता है, यस, आप कब करिएगा, आप सर जब मिस एक मोशन लेस में, मोशन लेस, सॉरी मोशन क्या, एमलेस, एमलेस मोशन हो लेकिन एमलेस हो, और आप तो आप तो एम हो, क्या हो, एम हो, यस सर, भाई आप तो समझ गए, यस सर 100%, यस सर, आप लोग समझ गए, यस सर, यही पे रुकते हैं ग्रामर में, देखा देखिए तो अभी 10 मिनट बच रहा है, कल पढ़ाएगा सर, तो हम भी जानते हैं आज क्या पढ़ाएगा, 10 मिनट के लिए बात कर देते हैं सर, शुभम कर दे।